भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा कर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा चीन का पुतला दहन करते हुए विरोध जताया गया। साथ ही चीन निर्मित सामान के बहिष्कार करने की भी लोगों से अपील की गई। भाकियू कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के भिटौरा लखन पर चीनी सरकार का पुतला फूंक कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देख रहे हैं कि जो है पड़ोसी मुल्क चीन, ये जो है हमारे जवान भाइयों के साथ जो हरकत की है बहुत ही निंदनीय हरकत की है। देश में कोई आफत आई हो या पड़ोसी मुल्कों ने जब भी हमारे देश को छेड़ा है, तब पूरा देश, हर देश का एक नवयुवक जो देश के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर एक आवाज़ लगाता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान का नारा लगाता है। आज जब जवानों पे बात आई है तो हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो भी नागरिक हैं, सब चीन के खिलाफ, चीनियों के खिलाफ उनके जो सामान, इनके प्रोजेक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह पर भारतीय किसान यूनियन भानु, मैं आशु चौधरी उत्तर प्रदेश प्रभारी, हमारे साथ में संदीप श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, रवि वर्मा जी, कपिल वर्मा जी, अपुल वर्मा जी, सारे लोगों ने मिलकर जगह जगह पर इन चीनियों का बहिष्कार करने का, इनके सामान को बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। और अगर हमारे जवानों के साथ इन्होंने जो है फिर कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, घर में घुसकर मारेंगे एक एक चीनियों को। इनकी हैसियत नहीं है हमारे देश से पंगा लेने की, हमारे जवानों पर हाथ उठाने की इनकी औकात कैसे हो गई। मैं सबसे पहले तो ये मांग करता हूँ अपने देश के प्रधान से कि क्यों बैठा है अपने बंदे इसी कमरों में, क्यों नहीं छूट दे रहा है हमारे सैनिक जवान भाइयों को। हमारे जवान सक्षम हैं चीन को घर में घुस कर मारने के लिए, तो फिर क्यों पूरा देश का हर एक युवक उनके साथ में है, देश के साथ में है। देश में आपदा आई हो, चाहे जो कुछ आया हो, अभी कोरोना जब आया देश में, हर युवक, देश का हर एक आदमी साथ था, एक दूसरे का सहयोग कर रहा था। आज जब देश, चीन ने यह हरकत की है, चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी भी देश ने जब भी हमारे देश पर कोई हमला किया है तो भारत देश एकत्रित होकर उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो ये आपके पास असलहे रखे हैं, जो ये तोपे रखी हैं, किस दिन सलामी देने के काम आएंगी? जवानों की शहादत पर सलामी की नहीं, जवानों के ऊपर जो हुआ है उसका प्रतिशोध लेने का समय है। इस समय पलटकर वार करिए चीन पर और उसको उसकी औकात बताने का समय है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे चीनियों, होश में आओ, हिंदुस्तान से मत टकराओ, होश में आओ, होश में। जय जवान जय किसान।